गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोहना के रिठौज गांव में पहुंचे, जहां पर सोहना के महान समाज सेवक स्वर्गीय रामचंद्र खटाना की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जहां पर कांग्रेस नेता आफताब अहमद राव दान सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्वर्गीय रामचंद्र खटाना के पुत्र कांग्रेस नेता प्रदीप खटाना के रिठौज निवास पर रखा गया था, जहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। यहां मौके पर हर व्यक्ति स्वर्गीय रामचंद्र खटाना को याद करते हुए नजर आए और साथ ही उनके अपने समाज के लिए सेवा भाव के बारे में भी बात करते हुए नजर आए। तो उनके जीवन के बारे में ज्यादा तो आपको क्या बताऊं, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन सारा समर्पित कर दिया। धार्मिक, उसे आप धार्मिक समझ लो, सामाजिक समझ लो, किसी भी तरह से ले लो, उन्होंने समाज के लिए अपना हर टाइम समाज के लिए दे दिया। कोई ऐसा नहीं रखा कि ये टाइम है इसमें मैं ये नहीं दे पाऊंगा, कभी भी समाज ने याद किया उस टाइम समाज के लिए तैयार खड़े। उदाहरण के लिए आपको यहाँ हमारे गांव की मिसाल आपके सामने है, जो 45 वर्षों से गाँव में इलेक्शन नहीं हुआ, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ऐसी गाँव के लोगों में ऐसी भावना भर दी कि जो वो आज भी उनके जाने के बाद निर्विरोध चुनाव कर रहे हैं, उसको मानते हुए उस आदमी की ये परंपरा चलाई हुई है, हमें ये आगे चलानी है, ये प्यार है लोगों का। नहीं, सारी उम्र खटाना जी ने अपनी जनसेवा में गुजारी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इस इलाके की भी पूरी सेवा करी उन्होंने, तो उनकी जो है एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं इस इलाके के।